सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर कुर्ती की स्टिचिंग करना बता रही हूँ और कटिंग की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए ये इस तरह से है, ये इसके आगे के हिस्से हैं और ये इसका हमारा बीच का हिस्सा है और सेम हिस्सा इसका पीछे का है। देखिए सबसे पहले हमारे आगे के ये जो दोनों ओपन हिस्से हैं इनके ऊपर हमें ओरे पट्टी लगानी होती है, तो इसके लिए हमें लंबी ओरे पट्टी चाहिए। तो देखिए मैंने छोटे छोटे इसमें जोड़ लगाए हुए हैं और बिल्कुल सीधे जोड़ हैं, तो आप इस तरह से दो ओरे पट्टी तैयार कर लीजिए। और इसके बाद देखिए हम इसको डबल करके इस तरह से इन हिस्सों पर यहाँ से लगाने शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए ये ओरे पट्टी हमें अपने जो आगे के पीस हैं उनके बिल्कुल सीधी साइड रखनी है डबल करके, और इसकी जगह आप मैचिंग की कोई पाइपिंग भी लगा सकते हैं। और देखिए इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। देखिए हमारे पीस में ये नीचे जो गोलाई है इस पर भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से इस तरह से ये ओरे पट्टी रखते जाना है और खींचना नहीं है, और इसको इस तरह से इसके ऊपर सिलते जाना है। और दोनों पीस के ऊपर हमें इसी तरह से ये ओरे पट्टी सिलनी है। देखिए दोनों पीस के ऊपर इस तरह से ओरे पट्टी लगाने के बाद हम इनको देखिए इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे, और देखिए थोड़ा सा किनारे से थोड़ा हटके हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और आप इस सिलाई को सीधी साइड से भी लगा सकते हैं और आप इस सिलाई को उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे। और दोनों पीस पर हमें इसी तरह से ये सिलाई लगानी है अंदर को इनको पट्टियों को मोड़ के। देखिए इस तरह से दोनों पट्टी अंदर की साइड को मोड़ने के बाद हमारा देखिए जो ये पीस है इसमें हम देखिए पहले एक एक पीस को इस तरह से जैसे हम अपनी लाइनिंग जोड़ते हैं इस तरह से गले को, और यहाँ से देखिए ये साइड है हमें इस तरह से इसमें जोड़ लेंगे। आगे का हिस्सा हमें इसी तरह से ओपन रखना है और दोनों पीस हमें अलग अलग करके इस हिस्से में इस तरह से जोड़ लेने हैं। देखिए सबसे पहले हम अपना गला जोड़ लेते हैं इस तरह से। देखिए गला जोड़ने के बाद पहले हमने अपने तीरे को जोड़ लिया है, फिर हमने अपने आर्म होल जोड़ लिए हैं, और इसके बाद हम देखिए साइड में सिलाई लगा लेते हैं। और पहले मैंने एक पीस ये जोड़ा है, इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी जोड़ लेंगे इसी में। देखिए ये दोनों पीस हमें इस तरह से जोड़ने हैं, और देखिए ये हमारा जो गला हमने जोड़ा है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और इसके बाद हम देखिए एक ओरे पट्टी काटते हैं, और ओरे पट्टी मैंने जो हमारा अंदर पीस है इस कलर की काटी हुई है, और इसको हम देखिए गले पर उल्टी साइड से लगाएंगे इस तरह से। और देखिए जब हम बीच में आ जाते हैं तो जैसे हमारे पीस मिले हुए हैं बिल्कुल सेम तरीके से इन्हीं के ऊपर हमें इसी तरह से ओरे पट्टी लगानी है। देखिए इस तरह से गले पर ये ओरे पट्टी लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड को इस तरह से ऐसे मोड़ के इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि इस ओरे पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे गले में देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये गोलाई है वहाँ पर झोल आ सकता है। देखिए जब हम यहाँ पर आ जाएंगे गले के बीच के हिस्से पर इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाएंगे और इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमें आगे का गला बनाना है, और इसके बाद देखिए हम पीछे के गले में देखिए इस तरह से एक ओरे पट्टी काटते हैं और उसको सीधी साइड हमें रखना है, ओरे पट्टी हमें उल्टी रखनी है, और पीछे के गले में हम ओरे पट्टी लगाएंगे।
देखिए ये ओरे पट्टी इस तरह से लगाने के बाद हमारा जो ये कपड़ा है इसको हम ओरे पट्टी की साइड इस तरह से रखते हैं। और देखिए यहाँ पर ओरे पट्टी के ऊपर वो सिलाई हमें लगानी है, यहाँ पर हमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और देखिए इसके बाद हम अपने शोल्डर जोड़ते हैं। तो देखिए ये पट्टी हमें इस तरह से सीधी रखनी है और दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर की साइड है। और देखिए इसको यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और तब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। देखिए ये शोल्डर जोड़ने के बाद देखिए हमारी ये जो पट्टी है हम इसको पीछे की साइड करते हैं और ये देखिए खुद ही ऐसे मुड़ जाएगी। और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और तब हम पीछे की साइड सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इसके बाद हम अपनी कुर्ती को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बाद हम इसको फिटिंग देते हैं। और जो फिटिंग का मेजरमेंट है मैंने कटिंग के वक्त बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाते हैं और अगर आप थोड़े लूज पहनते हैं तो थोड़ा बाहर को आप निशान लगा लीजिए। और यहाँ से करीब देखिए 7.5 इंच नीचे हम कमर का निशान लगाते हैं और यहीं से करीब 13.5 या 14 इंच नीचे हम हिप का निशान लगाते हैं। तो वो भी हम चौथे हिस्से पर ही लगाएंगे, कमर का निशान भी और हिप का निशान भी। तो आप इसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और देखिए इसके बाद ये निशान आप दूसरी साइड इस तरह से ला सकते हैं। देखिए ऐसे रखिए यहाँ पर, इस तरह से आप डॉट डॉट बनाते जाइए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और देखिए ये जो हमारे डॉट डॉट के निशान हैं इनको हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए हिप के निशान तक हमें ये फिटिंग लेके आगे देखिए केवल इस तरह से ये शेप देते हुए आधा आधा इंच ये सिलाई में दबाना है नीचे तक। और उसके बाद देखिए हम अपनी कुर्ती को बिल्कुल सीधा इस तरह से खोल के हमने जो फिटिंग के निशान लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं निशानों के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने जो बाजू की कटिंग कराई है उसमें देखिए बीच में हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कपड़ा इतना है कि आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप उसमें वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दोनों साइड किनारी है, हम केवल यहाँ पर बीच में दोनों बाजू में एक एक सिलाई लगा देंगे। देखिए बीच में इस तरह से जोड़ लगाने के बाद हम देखिए एक सिलाई यहाँ पर भी इस तरह से लगा देंगे और आप चाहें तो इसमें बीच में पाइपिंग भी लगा सकते हैं। देखिए इसके बाद आप चाहें तो देखिए आगे से इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा दें। और नहीं तो देखिए जैसे मैंने ये दो पट्टी काटी हुई है मैचिंग की, इनको हम देखिए इस तरह से उल्टी तरफ लगाएंगे और इधर से भी हमारा ये उल्टा होगा और ये हिस्सा बाजू का उल्टा होगा। और देखिए ये पलट के इस तरह से ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए ये पट्टी लगाने के बाद इसको सीधी साइड को फोल्ड करते हैं इस तरह से और पहले एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ये बाजू पर आगे पट्टी लगाने के बाद हम इसको देखिए बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं। देखिए इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं। देखिए इसको मैंने सीधा किया हुआ है और ये हमारा कुर्ती का आर्म होल है। तो आप इस तरह से भी बाजू की फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। देखिए बाजू हमें ये नॉर्मल रखनी है और इसको देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम रखते हैं जहाँ पर हमारी ये तीरे की सिलाई है और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से खींचते हैं आर्म होल को। और जहाँ पर ये हमारा फिटिंग का निशान है यहाँ पर एक निशान लगाते हैं इस तरह से। और इसके बाद बाजू में आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे।
जैसे हमारी बाजू की गोलाई आगे से 8 इंच है तो उसके आधे हिस्से में हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम यहाँ पर 4 इंच पर लगाएंगे इस तरह से, और फिर इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए ये निशान लगाने के बाद इनको हम डार्क कर लेते हैं, और फिर इसी तरह से इसके ऊपर हम दूसरी बाजू रखते हैं बिल्कुल सीधी करके, और इस तरह से ये निशान हम दूसरी बाजू के ऊपर भी ले आएंगे, और इसके बाद हम दोनों बाजू पर इन निशानों के ऊपर सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। देखिए बाजू के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम अपनी बाजू को सीधी रखते हैं, यानी बाजू सीधी कर लेते हैं, और जो हमारी कुर्ती है उसको हम उल्टा कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए जो हमारे आगे के मुड्ढों की गहराई है उसमें मैंने निशान लगवाया हुआ है, और आप अगर आपका निशान नहीं लगा हुआ है तो आप उस पर निशान लगा दें, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमारा हिस्सा आगे आएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा आगे आना चाहिए और ये हमारा आगे का हिस्सा है। तो हम बाजू को देखिए इस तरह से डालते हैं अंदर अपने आर्म होल के बीच में, और जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है और हमारी बाजू की सिलाई है इनको हम इस तरह से मिलाएंगे आपस में, देखिए ऐसे। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से इसको नाप के देख सकते हैं, ताकि आपको लगे कि थोड़ा सा आपकी बाजू की और आपके आर्म होल की जो नाप है थोड़ी 19-20 आपको लग रही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद आप इसी तरह से रख के यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करें इन दोनों सिलाइयों को मिला के। देखिए यहाँ से फिटिंग की सिलाई से और जो हमारी बाजू की सिलाई है वहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से, और हमें दोनों बाजू को भी और अपनी कुर्ती को भी नॉर्मल रखना है, और इस तरह से सिलाई लगा के जाना है। देखिए जैसे हमने बाजू यहाँ से लगानी शुरू की थी, तो देखिए जब हम घूमकर इसी जगह पर आते हैं तो जो हमारी कुर्ती का एक कपड़ा है जो हमारा सिलाई में गया हुआ है इसको हम इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, और इसी तरह से अपनी बाजू को भी मोड़ लेते हैं ताकि सिलाई में ना दबे, नहीं तो इसमें इसके बाद अगर इसको भी हम सिल देते हैं तो थोड़ा खिंचाव आ जाता है इसमें। तो इनको हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। और इन दोनों सिलाइयों को देखिए, ये सिलाई जो हमारी है और ये सिलाई, इसको आपस में इस तरह से मिला देते हैं, और दोनों बाजू हमें इसी तरह से लगानी है। देखिए एक बार मैं आपको और बता रही हूँ, जब हम अपनी बाजू कंप्लीट करते हैं यानी जब हम पूरी इसको जोड़ते हैं, तो देखिए जो हमारा ये फिटिंग का कपड़ा है जो हमारा फिटिंग में आ रहा है, यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई है, ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है और ये हमारी बाजू का कपड़ा है, तो इसको हम देखिए इधर से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, और बाजू के कपड़े को भी जो हमारे सिलाई में आया हुआ है, और तब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं इस तरह से। इस सिलाई में हम मिलाएंगे इसको, तो हमारे इसमें झोल नहीं आएगा जब हम इसको सीधी करेंगे। और देखिए लास्ट में हम अपनी कुर्ती को नीचे से मोड़ते हैं, और देखिए एक साइड से हम इसको मोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से, और ये बिल्कुल आराम से मुड़ जाएगी। पहले ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे, और हम थोड़ा बारीक बारीक इस तरह से मोड़ के यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगाते चले जाएंगे। और देखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम नीचे से अपना कोई भी कपड़ा मोड़ते हैं तो उसको इस तरह से नहीं खींचना है, नहीं तो उसमें झोल आएगा। हम बिल्कुल इस तरह से देखिए नॉर्मल रखेंगे और इस तरह से मोड़ते चले जाएंगे, तो उसमें बिल्कुल झोल नहीं आएगा और बहुत आराम से मोड़ता चला जाएगा। ऐसे आप सिलाई लगाते जाइए, और फिर इस तरह से मशीन उठाइए और फिर बिल्कुल नॉर्मल ऐसे मोड़िए, तो बहुत आराम से आपका मुड़ जाएगा। देखिए ये जो हमारी और ये पट्टी लगा के हमने ऊपर इसमें डबल जो कपड़ा लगाया है डिजाइन का, वो हमारा अलग रहेगा इस तरह से, और ये हम देखिए इस तरह से मोड़ के इसको यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है, और देखिए यहाँ पर आप ये दोनों हिस्से मिला के यहाँ पर मैचिंग के बटन भी लगा सकते हैं और फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।